एप्पल का मार्च का यानी 2022 का पहला इवेंट हो गया और इसमें उन्होंने चार बेसिकली चीजें दिखाई। पहले तो उन्होंने बताया कि कैसे मतलब यू नो एप्पल टीवी में बहुत सारा ओरिजिनल कंटेंट आने वाला है, डेफिनेटली नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन दैट। फिर उन्होंने दिखाया कि नया एक आईफोन का कलर आया, आईफोन 13 का ग्रीन वाला। नहीं, ये नए ग्रीन में अच्छा लग रहा है आईफोन 13, पर मुझे ऐसा लगता है कि आईफोन 12 जब पर्पल में आया था तो ज्यादा अच्छा लग रहा था। सैमसंग का जो ग्रीन आया इस बार S22 लाइन में वो ज्यादा अच्छा लग रहा है शायद, मे बी। फिर उन्होंने दिखाया कि कैसे उन्होंने नया आईफोन SE निकाला है, एंड देन द iPad Air 5 व्हिच इज द iPad Air 2022, एंड देन वन थिंग जिसे देख के ना इंटेल को कहना चाहिए तो मैं क्या करूं, मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। पैसा तेरा बाप देगा। Apple के मार्च के इवेंट में iPad Air 5 या iPad Air 2022 ऐसा बोलूं वो रिलीज हुआ, मतलब उसमें बार बार दिखाए जा रहे थे 5G। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस iPad Air में आई है वो है दी M1 चिप। जब ये MacBook Air MacBook Pro में आया तो वो कई सारे विंडोज लैपटॉप PC से बहुत ज़्यादा फास्ट था। अभी एक टैबलेट में आ जाता है तो कितना बड़ा ओवरकिल है, कितना ज़्यादा फास्ट होगा। इसका एक फ़ायदा है, अगर आप 5G वाला M1 चिप वाला iPad Air ले लेते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ हो जाता है। मेरा डर है कि 8 से 10 साल भी शायद स्लो डाउन ना हो। वैसे भी इनके iPads इतने ओवरकिल होते हैं, मतलब अब इसमें फास्टर USB-C है, ट्रू टोन डिस्प्ले, एंड द बेस्ट पार्ट इसका जो कैमरा है फ्रंट कैमरा उसमें सेंटर स्टेज आ गया है। बेसिकली अगर आप एक यू नो वीडियो कॉल कर रहे हैं और आप थोड़ा हिलते हैं, चेयर वेयर से हिलते हैं, किचन में कहीं घूम घूम के बात कर रहे हैं, यह आपको सेंटर में रखता है। लेकिन कैमरा है तो गलत तरफ ना, उसके सर पे ऐसे फोरहेड पे लगा दिया है, लैंडस्केप में लगाना चाहिए था। नए iPad Air को ना लेने के भी कई सारे रीजंस है। एक तो ये बहुत बड़ा ओवरकिल है यार, इसमें आप कुछ प्रो काम नहीं करने वाले हो। लोग इस पे यू नो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया करते हैं, बच्चों को दे देते हैं, ईमेल्स पढ़ लेते हैं, कोई इसमें सीरियसली बैठ के से वीडियो एडिटिंग नहीं करता क्योंकि वो एप्स इस पे ऑप्टिमाइज नहीं है। लूमा फ्यूजन चलता है लेकिन फाइनल कट प्रो नहीं चलता। लुक इसका लास्ट ईयर जैसा ही है, इसमें कोई मिनी LED डिस्प्ले नहीं आया है, इसमें प्रोमोशन डिस्प्ले नहीं है, सिर्फ 64GB की स्टोरेज से ये शुरू होता है। इसको एक्चुअली लेने के बहुत ज़्यादा रीजंस नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर का iPad Air ही बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो आज भी बाकी टैबलेट्स को बहुत बुरी तरह हरा देता है। तो मेरा ये आपको टॉप टिप है, इन दोनों में से अच्छे बैंक कार्ड डिस्काउंट्स के साथ और अच्छे डील्स पे जो मिले वो वाला ले लो। हाँ, लेटेस्ट वाला ऑलवेज बेहतर ही होता है, बाकी मर्जी आपकी। The iPhone SE 2022 is not for Indians. भैया इंडिया में ऐसा होता है कि या तो आप फीचर फोन यूज़ करते हो जिसमें कोई बड़ी स्क्रीन ये सब नहीं होता है, या फिर आप प्रॉपर बड़ी स्क्रीन वाली टच पूरी चाहते हो। कोई भी आजकल जो है होम बटन वाला ऐसा छोटा स्क्रीन वाला फ़ोन नहीं लेना चाहता है, वो भी 44,000 का तो बिल्कुल ही नहीं। मतलब इसमें सिर्फ 4.7 इंच का रेटिना HD IPS डिस्प्ले है, A15 बायोनिक चिप इसमें डाला तो एप्पल ने तो बड़ा ही एहसान कर दिया है सब पे, 12 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा, 7 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। चलो कैमराज में इन्होंने डीप फ्यूजन स्मार्ट HDR वगैरह दे दिया अच्छे पिक्चर्स के लिए, लेकिन आई डोंट थिंक समबडी हु लव्स यूजिंग द कैमरा विल वांट दिस फोन। थोड़ी सी बैटरी बढ़ाई है और A15 बायोनिक चिप थोड़ी बैटरी बेहतर भी कर देता है, लेकिन भैया मेरे एडिटर ने जब ये लिया था फोन तब चिपकली की तरह इसका फोन हमेशा मेरी दीवार से चिपका रहता था। दिस फोन इज नॉट फॉर इंडियंस, इतने महंगे पे तो बिल्कुल नहीं। या तो आप iPhone 12 या 13 मिनी की तरफ देखो, या ऋषि कपूर का टॉप टिप, एक असूस का 8Z आया नया वाला, रियली नाइस, एकदम छोटे फॉर्म फैक्टर में। एप्पल ने एक बहुत ही महंगा टिफिन बॉक्स बनाया है, इट्स कॉल्ड द मैक स्टूडियो। ये एक्चुअली आपके एक टिफिन बॉक्स जितना ही है, 7 इंच लंबा, 3 इंच ऊंचा, और मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। और इस डब्बे में उन्होंने इतना पावर डाल दिया है कि कोई भी लैपटॉप या PC ऑन अर्थ इसे मैच नहीं कर सकता। मैक मिनी आपने देखा होगा M1 चिप वाला, अब सोचिए कि M1 चिप जो है उसको आप थोड़ा सा बड़ा कर दो तो M1 प्रो चिप बनता है, जो मेरे एडिटर के लैपटॉप में है, बड़ा ही फास्ट। उसे अगर आप डबल कर दो M1 चिप को तो M1 मैक्स चिप बनता है। इसमें आ जाता है M1 अल्ट्रा चिप, विच इज़ बेसिकली 2 M1 मैक्स चिप्स जॉइंट बाय अ ब्रिज। ये 128GB रैम, 20 कोर्स का इसमें जो है CPU, इसमें हो सकते हैं कोई 64 कोर्स की GPU। इसमें इतना सारा परफॉर्मेंस है कि इसमें 18K के स्ट्रीम्स एक साथ चल सकते हैं, ये एक साथ इतने मॉनिटर्स को कनेक्ट हो सकता है कि मतलब मेरे ख्याल से एक पूरा हॉलीवुड स्टूडियो इस छोटे से बॉक्स पे चल सकता है। अब मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, बट मैं जानता हूँ कि पूरी दुनिया के लैपटॉप यूजर्स में से 1% भी नहीं होंगे जिन्हें इसकी ज़रूरत है। बट यस, एप्पल ने ये दिखा दिया है कि अगर आप एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल कंपनी इस पे चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक छोटा सा टिफिन बॉक्स चाहिए। इट्स नॉट फॉर अस भैया,
जो इनके लैपटॉप ही आए थे M1 Pro और M1 Max वाले, उसी पे अच्छी खासी हॉलीवुड की मूवी एडिट हो जाती है। ये मतलब जो भी खरीदेगा या वो पैसा देगा या डेफिनेटली उसका पैसा तो इसका बाप देगा भाई। अब ये Max Studio आपको भेजेंगे तो साथ में एक डिस्प्ले भी तो भेजेंगे, आप प्लग किसमें करोगे? Apple is Apple, कुछ तो महंगा भेजेंगे। 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट होता है वो नया डिस्प्ले जिसपे लग जाते हैं अलग अलग टाइप के हिंजेस। कोई खास उसकी LED स्क्रीन नहीं है, 5K डिस्प्ले वगैरह। ओके, आपके घर में कोई टीवी पड़ा है जो आप ज्यादा यूज नहीं करो, उसी में प्लग इन कर लो, बनाना तो डेस्कटॉप ही है। या तो फिर जो Mac Pro आएगा जिसमें ये डिस्प्ले और Mac Studio दोनों कंबाइन होंगे, उसके लिए रुक जाना। क्योर रियल प्रोफेशनल एंड यू रियली नीडेड, वेट फॉर दैट वन, आएगा वो सितंबर तक। भाई ये सारे प्रोडक्ट्स जो रिलीज हुए हैं उनमें से एक्चुअली लेने लायक कोई है नहीं, शायद दी iPad Air 5 फॉर सम ऑफ यू, बट मैं अगर आपकी जगह होता या तो मैं iPad मिनी के थोड़े से डील्स आने के लिए रुकता, या तो फिर नेक्स्ट ईयर जब इस iPad Air पे M1 चिप वाले पे अच्छे डील्स आते तब इसे लेता। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें इस वीडियो को इफ यू रियली लाइक इट। हम ऐसी ही वीडियोस आप तक लाते रहेंगे, कभी मेरे थोबड़े के साथ कभी उसके बिना। पैसा तेरा बाप देगा।